Halishi Kanaana. Brr. Kalkashimala. Welcome. I'm going to get the picture. I'm going to get the jungle. I'm going to get the picture. I'm going to get the picture. I'm I'm going to get the picture. Welcome to Bitch Reaction. সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আরেকটি নতুন ভিডিও দেখার জন্য চলে এলাম আপনাদের কাছে আর আজকে আমরা একটি জার্নি ভিডিও দেখব এবং ট্রেন জার্নি শীতের সময় আসলে জার্নি করতে এমনিতেই অনেক ভালো লাগে আর আজকে আমরা একটা মানে সেইরকম শীত প্রধান একটি জায়গার জার্নির ভিডিও দেখব সেই ভিডিওটির নাম হচ্ছে টয় ট্রেন টু সিমলা হিমালয়ান কুইন ফার্স্ট ক্লাস কলকা সিমলা ফুল জার্নির ভিডিওটি দেখব আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি চ্যানেলের নাম হচ্ছে এক্সট্রিম রোডস তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি এটা টয় ট্রেন না বাস এটাই ট্রেন कालका के बाद मैं हिमालयन क्वीन जी हाँ टॉय ट्रेन में जा रही हूँ कालका से शिमला की ओर वैसे मैंने बुक की थी टिकट कल की टिकट थी लेकिन एक में वेटिंग लिस्ट थी और एक में कंफर्म थी यहाँ पर इंक्वायरी की तो मिल गई वेटिंग लिस्ट में और मैं आज ही निकल रही हूँ मेरी ट्रेन का नाम हिमालयन क्वीन है इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 12:10 दोपहर में कालका से और अराइवल टाइम है शिमला में 5:30 को शाम में ये हम लोग हैं फर्स्ट क्लास में और काफ़ी स्पेस दिख रहा है इसमें ऑल्दो ये टॉय ट्रेन है उसके बावजूद इस तरफ दो सीट है और इस तरफ सिंगल सीट है लेकिन आमने सामने है अच्छा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आई वेलकम टू इंडिया It feels really pride and proud that people they come to India from abroad and they love to travel in this train and today we are going to enjoy this train along with all our fellow friends who are from abroad and from India okay private train ta te jacche ha na video yes dosto to hum chal rahe hain shimla ki aur is ब्यूटीफुल टॉय ट्रेन में वैसे कालका और शिमला के बीच ये हॉल्ट करेगी 9 स्टेशनों पर 9 स्टेशन है दादा बता पर जाओ जिसका भी एक्साइटमेंट भरपूर है चली मेरी चुक चुक गाड़ी और हफ्ते के सातों दिन चलती है 7 दिन ही चले लास्ट टाइम शिमला का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो तो बड़ा दिल था कि हम टॉय ट्रेन में जाएं लेकिन संभव वो हो नहीं पाया मेरी हर चीज़ डेस्टाइंड होती है और उसी तरीके से आज ये मौका इस पल डेस्टाइंड है इसमें फर्स्ट क्लास है और एसी चेयर कार है फर्स्ट क्लास का 470 रुपये और एसी चेयर कार का 260 रुपये बस और सब इन्फॉर्मेशन दिए देते हैं वीडियो थे এখনো তো মনে হয় আরো সুন্দর সুন্দর জায়গা সামনে বাকি আছে दोस्तों तो इस ट्रेन में सफ़र करने का आनंद कुछ अलग ही है
बिल्कुल टॉय ट्रेन है और लगेगा कि हम बच्चे तो नहीं पर अगर बच्चों की तरह हम एंजॉय करें तो क्या बुरा है। जो ये अभी टनल गया, यहाँ पर 102 टनल है। हाँ जी, 102 टनल। ये बता दूं कि 2.6 नैरो गेज की लाइन है, रेलवे लाइन कालका टू शिमला की। और यहाँ का कर्व, यहाँ पे 912 कर्व्स हैं। जी हाँ, और इसीलिए तो यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी गई है और 2008 में इसे मान्यता दी गई थी। वाओ, अभी हम लोग गुमन स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं पर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। ऊपर थे पूरा जालाटा खुला था। दोस्तों बहुत ही मजेदार सफर है और इसका मजा बिल्कुल लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। यहाँ पर 988 पूल है, मतलब ब्रिजेस। नॉर्दर्न रेलवे अंबाला डिवीजन का शिमला रेलवे स्टेशन 7116 फीट की ऊंचाई पे बना था 1902 में। 1902 साल है। ट्रेन जो कि 2 फीट 6 इंच नैरो गेज की नॉर्दर्न रेलवे पर चली थी 1903 में। दोस्तों ये बताऊं कि ये ट्रेन जो है वो अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे लेगी शिमला पहुंचने के लिए और 96 किलोमीटर का रास्ता ये कवर करेगी। अच्छा, 6 घंटे 96 किलोमीटर। अभी हम लोग सोमवारा स्टेशन क्रॉस करें लेकिन यहाँ पर भी हॉल्ट नहीं करती है। आपको पता है दोस्तों, ब्रिटिश राज के समय शिमला समर कैपिटल रहा है और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर भी, इसीलिए जरूरी हो जाता था साल में 2 बार गवर्नमेंट को कलकत्ता से शिमला के बीच ट्रांसफर करना, वो भी घोड़ों और बैलगाड़ियों से। वाव। जी हाँ दोस्तों, तो हम धर्मपुर स्टेशन पर अभी हॉल्ट किए हुए हैं और ये इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। यहाँ पर कुछ नाश्ता शास्ता हो सकता है और 4-5 मिनट यहाँ पर होल्ड करेगी, तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चाय, कॉफी, कॉफी। नो कॉफी, चाय। और वो भी हेल्थिस्ट ट्रेन के। यस। हम लोग अभी धर्मपुर में। जो भी सफर कर रहा है इसमें, वो इतना खुश है और एक्साइटेड है कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। 5 मिनट। ये भी एक एक्साइटमेंट है। मजा आ रहा है इस ट्रेन में। या बारोग। अब हम बारोग स्टेशन पर आए हुए हैं। वाओ, बारोग के निकट 1143 मीटर की सबसे लंबी सुरंग है। सुरंग कहाँ है? सुरंग ऊपर जाऊं? ये हमारी ट्रेन। ट्रेन चले देवे तो ऊपर। ये है रिफ्रेशमेंट के लिए। अच्छा, ये तो सामने सुरंग। सोलन पर हूँ और सोलन पर भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर ब्रिज नंबर 541 का फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दिखेगा। सोलन पर चेंज करने के लिए। अच्छा, लाइन चेंज करने के लिए। ओके, और ये होता है लाइनिंग के लिए।
ओके तो कौन गाड़ी जाने के लिए कितने निकलते हैं यहाँ से ओके हाँ तो अगले स्टेशन जाएंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेम इंस्ट्रूमेंट रहेगा अच्छा तो उसमें डालेंगे तब लाइन के गोइंग हो गया अभी तो मैं यही रह जाती लेकिन ये ट्रेन की स्पीड कुछ ऐसी होती है कि आप चढ़ सकते हो आराम से What's your name? Roger. Roger. Okay, and you're from? South Wales, UK. You. Yvonne Hud. Okay, and you're from? I'm from Wales, UK. Okay, okay, you're Wales. From UK. Yes. Okay, welcome to India. Thank you. I'm from Ireland. All right. And Jill from Sheffield, UK. Okay, you all are from UK. Our first time in India. Oh, that's on an organized trip. We've been to Delhi. Okay. Agra. Uh-huh. Jaipur. All right. And is it Alsazar? And the Ranthambore National Park. Ranthambore. Yeah. 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 Saw two tigers. Yeah. Saw two tigers. Tigers and a black bear. Okay. You like India? It's a culture shock because it's something completely different. But very interesting. And it's been a really good tour. I'd like to go to Mumbai because I like Bollywood and all the dances. Are you from Mumbai? Have you taken part in one of those films that they've made? Yes, I have. So we have here such a pretty lady out here and she is willing to go to Bollywood. बॉलीवुड की मस्ती तो सब लोगों को अच्छी लगती है और बॉलीवुड के बिना मुझे लगता है मुंबई अधूरा सा है तो इन्हें मुंबई जाना है बॉलीवुड देखने के लिए सो बॉलीवुड शी माइट कम वंस अगेन टू वॉच बॉलीवुड एंड टेक पार्ट क्या नज़ारा रहा होगा उस समय कभी बर्फीले पहाड़ कभी हरियाली वाह मैंने कुछ दिनों पहले मिस कर दिया वरना आपको बर्फीला सफर भी दिखा देती खंडा घाट है और ऑब्वियस है कि ये घाट के ऊपर है ओके गाइस इसे इसे घुमाया जाता है और ट्रेन चालू होती फन टाइम लेकिन ये ट्रेन से माउंटेन पे चढ़ने वाला सफर मिस नहीं करना चाहिए अगर आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली से हार्डली डिस्टेंस है इस जगह का मैं भी इस पटरी पर हूँ इसका मतलब ये मत समझना वंदे भारत की तरह मैं पटरी पर हूँ लीगल डिगना फलाना दिस इज truly legal okay guys andar nahi ja sakte kyunki ye hotel man ki jagah hai lekin mujhe yahan tak allow kiya hua hai thank you Harry okay and you are from Maine US okay nice meeting you welcome to India thanks था और हमने सेंचुरी पूरी कर ली है कालका टू शिमला में
अब और दो टनल और हम शिमला पहुंच। और बच चुका है और ट्रेन निकल जाने वाली है, तो हम शिमला बहुत खूबसूरती से पहुंचे और मजेदार सफर रहा ये। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगेन सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। আসলে ট্রেন জার্নি কিন্তু আমাদের সবারই অনেক ভালো লাগে, আর জার্নিটা যদি এরকম হয় তাহলে তো বোরিং হওয়ার মতো কোনো অপশনই নেই। ট্রেন আসলে সব সময় কিন্তু ট্রেন জার্নিটা সবাই মজা করে, সবাই, আমার কাছে মনে হয় যে এটা কোনো বোরিং একটা জার্নি না। বাস জার্নি যেমন মাঝে মধ্যে বোরিং লাগে, সবচেয়ে বোরিং মনে হয় প্লেনের জার্নিটা, তারপর বসে থাকো। হ্যাঁ বসে থাকো, কিন্তু এখানে ট্রেন জার্নিটা কিন্তু খুব মজা ছিল। আর এক শীতের সময় যদি সিঁড়িটা করতো তাহলে আরো সুন্দর দেখাতো, তবে এখনো কিন্তু অনেক সুন্দর লেগেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেহেতু মানে এটা একটা টয় ট্রেন আর সে বারবার নামতে পারছে, উঠতে পারছে, এবং সে মানে সবাই এটাকে খুব এনজয় করছে এখানে। আর তাছাড়া স্টেশনে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন স্টেশনে, এবং হচ্ছে স্টেশন ছাড়াও কিন্তু কিছু জায়গায় যেটা হচ্ছে যে ওয়াচিং পয়েন্ট থাকে যেগুলো আর কি, ওয়াচিং পয়েন্ট ছিল। এছাড়াও আরো ছিল যে তারা হচ্ছে লাইন মনে হয় এক্সচেঞ্জ করার জন্য এরকম কোন কিছু, হ্যাঁ ক্রসিং এর জন্য, সেক্ষেত্রে তারা দাঁড়িয়েছে। এবং অনেকে হয় যে বাহিরে বের হয়ে এসে গল্প করতে আড্ডা দিচ্ছে, তো এগুলো পরিবেশে যদি ট্রেন দাঁড়ানো থাকে তাহলে তো মানুষ নামতে চাইবেই পাহাড়ের পাশে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এটা তো অন্য ট্রেনের মতো না যে খুব দৌড়ায় উঠতে হবে না হলে ছেড়ে চলে যাবে, সে বললো না যে মোটামুটি সে উঠতে পারছে আর কি, অন্য ট্রেন হলে বেশি দ্রুত গতিতে যাচ্ছে না, তো সেক্ষেত্রে মানে সবাই খুব এনজয় করছে আর কি। হ্যাঁ তাছাড়া সে কিন্তু আরেকটা জিনিস ভালো করেছে, সেটা হচ্ছে যে ফরেনাররা ছিল ট্রেনে তাদের সঙ্গে কিন্তু সে অনেক মজা করে এবং তাদের ইন্ট্রোডিউসটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে দিয়েছে। আর এটা আসলে হয় যারা কখনো যদি বাহিরের কেউ আসে, আমার নিজের দেশেও হলেও এটা হবে যে আসলে নিজেদের কাছে কিন্তু একটা প্রাউড ফিল হয় যে অন্য কেউ এসে আমাদেরকে ভালো বলছে, আমাদের জিনিস পছন্দ করছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে, তো সেক্ষেত্রেও এখানে সেটা দেখলাম যে না আসলেই তারা বোথ পার্টি কিন্তু খুব এনজয় করছে, যে একসঙ্গে গল্প করে বা যাচ্ছে যে একসঙ্গে, এটা খুব মজা করেছে। তো ওভারঅল ভিডিওটা আসলে খুব ভালো ছিল, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পাহাড়ের ভিউ এবং ট্রেনের যে আনন্দটা সেটা কিন্তু সব তারা খুব ভালোভাবে এনজয় করেছে, এবং বাকি যারা ভিডিওটা দেখবে তারাও কিন্তু খুব এনজয় করবে। হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে এটা বোরিং হওয়ার মতো কোনো ভিডিও না, এটা জাস্ট ভালো, মোটামুটি একটা ভালো ভিডিও যেখানে এনজয় করা যায়। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে শুধুমাত্র পাবলিক ট্রেন না, এখানে কিন্তু একটা সিঙ্গেল বগি ট্রেন ছিল যেটা হচ্ছে কেউ চাইলে প্রাইভেট ভাবে মুভমেন্ট করতে পারে, এটা কিন্তু ডিফারেন্ট ছিল। না এটা আসলে খুব মজার একটা ব্যাপার না, আমি পুরো আমার মতো করে পুরো একটা কম্পার্টমেন্ট আমি আমার জন্য নিয়ে রাখছি, এটা খুবই সুন্দর। তো আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে একটা লাইক দিবেন, আর আমাদের সঙ্গে বসে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।